आए हुए सभी मुख्य मेहमानों का स्वागत। शक्ति की पूजा होती है, माँ के हम लोग पूजा करके उनकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोग उनकी आराधना करते हैं। ऐसे पूजा करने से हमें शक्ति प्राप्त होती है और हम जितने सनातनी हैं हर साल शक्तियों की बढ़ चढ़ के पूजा हिंसा करते हैं, जिसे माँ हमें शक्ति दे, जिस शक्ति के कारण हम सुखी शांति और बुद्धि और बलवान होते हैं। ऐसा है, जितने भी पर्व त्यौहारे होते हैं, जो नवरात्रि पर्व त्यौहार हैं, ये हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़ा उपासक पर्व है। हम इसे उपासना करते हैं और एक दिन नहीं 9 दिन तक करके नवरात्रा हम मनाते हैं और हम अपने शक्ति का आवाहन करते हैं। इसी कारण से यह पूजा सारे पूजाओं में उपासक पूजा कहा जाता है और सबसे श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। मेरा नाम दयाशंकर ठाकुर है, न्यू रामनगर क्लब और मिथिला विद्यापति सेवा संस्थान अध्यक्ष, और ख़ासकर ये नव जागरण सेवा समिति जो कि 19वां साल हो गया, यहाँ भी हम समस्त मैथिल समाज शुरू से जुड़े हुए हैं और एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ भी हम सदस्यता लिए हुए हैं और माता जी के चरणों में प्रतिवर्ष आकर माता टेकते हैं। मैं व्रत 2 दिन रखता हूँ जी, प्रथम और अंतिम दिवस वाले दिन। और खासकर जो यह नव जागरण सेवा समिति का मैं एक खासियत प्रत्येक साल जो देखता आ रहा हूँ, कई कमेटियाँ बनती है टूट जाती है, कई समितियाँ आपने भी देखा होगा बनते और टूटते हुए 2-3 साल चलते चलते बस हो जाती है, परंतु यहाँ पर महामाई की इतनी बड़ी कृपा है कि प्रत्येक साल यहाँ पर बड़े बड़े संख्याओं में समाज जुटते हैं और इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करते हैं। खासकर हमारे दीपक झा जी, जो वैसे तो हमारे समाज के बहुत ही श्रेष्ठ अंग हैं और हमारे मिथिला विद्या। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम दीपक झा है। कोई बंदा किसी तरह काम करता है, कोई किसी तरह काम करता है, पर मैं ये देखता हूँ कि आप दिन रात एक कर देते हो सदस्यों को जोड़ने में और लोगों को इकट्ठा करने में, तो काफ़ी योगदान आपका रहता है, तो कैसे देखते हो आप? देखिए, ये इतनी शक्ति कहाँ से आती है आपको? ये सब माता रानी की कृपा है और माता रानी, हम माता रानी को उन्हीं कर खुद ही करवाती है। जिन आदमियों की ड्यूटी लगाती है हमारे सीओ के, इन्होंने समझा और जो हमारी ड्यूटी, जो हमारी सेवा लगाई है उसको हम उनका प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं और वो सेवा में अपने लग जाते हैं। और मैंने आपको पहले भी अपनी इंटरव्यू में जिसमें मैंने कहा, ये जो पर्व है 10 दिन का, ये दिवाली की तरह ही यहाँ पे मनाया जाता है और हम लोग सब दिवाली की तरह ही इसको मनाते हैं। 10 दिन कैसे आते हैं और चले जाते हैं भी हमारे को मतलब पता ही नहीं लगता। और मैं ये देखता हूँ कि आप यही प्रोग्राम नहीं, समाज सेवा का कोई भी काम हो बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लेते हैं। ये सभी का उत्तरदायित्व बनता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये उत्तरदायित्व सिर्फ परिवार से हटके समाज के लिए भी कुछ करने का उत्तरदायित्व होता है बंदे में, तो कईयों को ये राह परमात्मा की बख्शिश करती है। माता रानी ने हमारे को, हम बहुत खुशकिस्मत है कि माता रानी ने हमारे को इस योग्य बनाया है, जो हम किसी के, अगर जो कोई काम हमसे हो सकता है तो हम उसके लिए अपना प्रयास करें और हमारा जो भी हमारा समाज यहाँ पे रहता है, अगर जो हम उनके कुछ भी काम आ सके तो हमारी खुशकिस्मत। ये आज अष्टमी और नवमी दोनों का पूजन हुए है। आज जरा कंजका हम लोग अष्टमी और नवमी का दोनों ही आज कंजका खिलाया गया। ये हमारा जैसे
तीन तारीख को शुरुआत हुआ था और कल जाके विसर्जन होंगे, समाप्ति होंगे। विसर्जन तो परसों होगा, कल समाप्ति होंगे। आज नौमा पूजा हो गई माता का और कल हम लोगों का जो यहाँ पे कल विसर्जन का प्रोग्राम है और परसों हम लोग मूर्ति लेके जाएंगे सतलुज, और ये माता को लेके हम लोग परसों जाएंगे।